चैनल्स पर तो मैं एक दोबारा से वीडियो लेके आ गई हूँ। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं एक व्लॉग कर रही हूँ। तो आज जैसे कि रामनवमी है तो मेरे सभी सब्सक्राइबर और जो मेरे सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल नहीं किया उन सभी को हैप्पी रामनवमी। और आज एक और स्पेशल ओकेजन है, आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में कि हम अपने भाई का बर्थडे कैसे मनाते हैं। जो आज का व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं या हमारा सारा डेली रूटीन कैसा होता है। तो गाइस सबसे पहले आप मिलिए मेरे जो दो नॉटी जो पैरेट्स हैं उनसे, गोलू और मोलू। तो ये लोग इतने बदमाश हो गए कि मैंने इनके लिए जो है एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है जिसमें मैं इनको कुछ सिखा रही हूँ। सीखना तो ये कम चाहते, दिन रात सिर्फ उछल कूद, खाना पीना और मस्ती इनका चल रहा है। तो आप देखिए अभी कैसे शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इनको खोल दूंगी जिस टाइम भी बाहर आएंगे खुद ब खुद इतनी शरारती करेंगे। गाइस ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, तो इसमें जो है ये है आलू की सब्जी, पूरी, गाजर का लड्डू और कलाकंद। अभी हम लोग जो है थोड़ा हल्का फुल्का ही खा रहे हैं, बहुत हैवी नहीं खा रहे क्योंकि जो दोपहर का लंच है वो थोड़ा हैवी होगा इसीलिए। गाइस ये है मेरा भाई जिसका बर्थडे है और ये भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो गाइस पहले हम लोग करें बैंगन फ्राई। बासंती पुलाव बनाने के लिए जो है पानी बॉयल रख दिया है। यहाँ पे जो है आलू फ्राई और पोटल जो होता है परवल जिसको बोलते हैं वो काट के रखा है, उसको भी फ्राई करेंगे। ये दोनों बाहर निकल चुके हैं और फिर देखिए कैसे शैतानी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। गोलू गोलू की हो चे की कोचो गोलू, ये जो है अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग बातें करता है, अगर उसका मन होगा तो ये करेगा वरना नहीं करता है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी फ्राइड आइटम्स है बन गए हैं, जैसे कि ये है करेला फ्राई, ये है बैंगन फ्राई, ये है परवल फ्राई और ये है आलू फ्राई। तो हमने 4 टाइप के जो है फ्राई बना लिए हैं। गाइस आज जो हम चिकन की रेसिपी बनाएंगे वो है चिकन चंगेजी। तो इसको मैरिनेट करने के लिए पहले चिकन में जो है दही के साथ उसको मैरिनेट कर रहे हैं, उसके बाद हल्का सा नमक, हल्का सा मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से जो है हैंड से एकदम उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद इस चिकन को जो है 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद की रेसिपी शूट करके मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस नॉनस्टिक के जैसे कढ़ाई में तेल डाल लिया, उसमें जो है पीसेस जो मैरिनेटेड है उसको फ्राई कर रहे हैं। तो जो है लो फ्लेम में फ्राई करना है पहले। आज का जो सारा रेसिपी है वो मेरी दीदी बना रही है, रेसिपी मेरे भाई के बर्थडे का पूरा जो है वो मेरी दीदी बना रही है। हाय। और मेरी दीदी का खुद का एक चैनल भी है, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उनका नाम है रसोड़ा ए मैजिक। वो जितने भी है इंडियन कुजीन, डेजर्ट्स, चाइनीज, वो सब टाइप की जो रेसिपीज है उसमें डालती हैं। तो ये सारा जो खाना है वो ही बना रही है और मैं जो है थोड़ा वीडियो शूट कर रही हूँ। गाइस हमने जो है कढ़ाई थोड़ी चेंज कर ली क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो कढ़ाई में जो है पहले तेल डाल लिया, उसके बाद जो है ज़ीरा डाला है। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा उसके बाद खड़े गरम मसाला जो है हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद सूखी लाल मिर्च, उसके बाद जो है बारीक कटे हुए प्याज, ये 4 से 5 प्याज ऐड करें क्योंकि जो चिकन की क्वांटिटी है उस अकॉर्डिंग आप इसको वेरी कर सकते हैं। और गाइस मैं ये रेसिपी आपके साथ इसलिए शूट कर रही हूँ सिर्फ चिकन की, अगर आपके घर में भी कोई ओकेजन हो या कुछ भी आपको खाने का इस टाइप का मन करे तो आप इजीली इसको फ्राई कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और जो फ्लेम रहेगा बिल्कुल लो रहेगा। उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, गाइस ये रेसिपी थोड़ी वेरी हो सकती है तो हमारी रेसिपी में भी कुछ एडिशन अपने हिसाब से हम कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जैसे रेस्टोरेंट में पूरा एग्जैक्टली वैसे ही हम बना रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है कुछ इंग्रेडिएंट हो सकता है कि इस रेसिपी में नहीं डलता हम वो ऐड कर रहे हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स हो सकता है कि डलता हम नहीं डाल रहे, हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है एडिशन डिलीशन करके ये रेसिपी बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजिली बन जाती है और खाने में भी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा लगता है। जैसे ही हल्का सा थोड़ा प्याज और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए, ये दो टमाटर हैं जो काट के इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हमने इसको दही के साथ मैरिनेट किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ही खट्टा हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक जो है अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है चिकन को मैरिनेट करने के टाइम पे भी नमक डाल चुके हैं। उसके बाद जो है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसको डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और आपको फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है ताकि आपके मसाले जले ना और अच्छे से पक जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये सिर्फ जो है कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इतना स्पाइसी नहीं होता है, और अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट करने के टाइम डाल चुके हैं, और हम कुछ कच्ची हरी मिर्ची भी यूज़ करेंगे, इसीलिए ज़्यादा जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिर्च ऐड कर सकते हैं। मसाला नीचे से ना लगे इसलिए हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जो है नीचे से ना जल जाए, और तब भी जो है गैस का फ्लेम जो है एकदम लो ही रहेगा, और जब तक ये जो मसालों से तेल निकलने ना लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। गाइस मसाला जो है पक गया है, अगर आपको दिख रहा होगा इसमें जो साइड से जो है तेल छूटने लगा है। इसके बाद जो है हम जो फ्राई किए हुए थे मैरिनेटेड चिकन उसको ऐड करेंगे, अच्छी तरह से जो है मसाले के साथ चिकन को मिक्स कर देंगे ताकि चिकन में अच्छी तरह से जो मसाला है कोट हो जाए। एक दो मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और जो फ्लेम है ये बिल्कुल हाई हमने रखा है। इसके बाद जो है हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, पानी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपका चिकन कितना अच्छे से मैरिनेट हुआ है, कितने अच्छे से वो पका है, उसको डिपेंड करता है। तो आप बहुत ज़्यादा पानी भी मत डालिएगा वरना जो इसका टेस्ट है पूरा बिगड़ जाएगा। हल्का पानी डालिएगा, अगर आपको लगे कि चिकन अच्छे से नहीं पका है उसके बाद भी, तो आप उसके बाद वाटर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चिकन को जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस जो है चिकन ऑलरेडी जो है पक गया है पूरा, अगर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, इससे जो है कंसिस्टेंसी भी जो बहुत थिक हो जाती है और इसका पूरा फ्लेवर टेस्ट पूरा बदल जाता है। उसके बाद जो हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, और क्रश जो है किया हुआ कसूरी मेथी ऊपर से ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला। ये सब ऐड करने के बाद हम ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे नहीं, बस जस्ट मिक्स करेंगे, और उसके बाद गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे। एक बार देखिए इसका कलर, देखिए कितना अच्छा आ रहा है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अगर मैं आपको बता सकती कि खुशबू, बट वीडियो के थ्रू आपके पास जो है ये खुशबू जाएगी नहीं, और इसका कलर देख के आप बता सकते हैं कि कैसा बना होगा टेस्ट में। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। उसके ऊपर जो है हम गार्निश करेंगे इसे कटे हुए धनिए हरी मिर्च के साथ, इसको ढक देंगे ताकि जो इसकी खुशबू है वो एकदम पूरे चिकन में अच्छी तरह से आ जाए, और मतलब इसे क्या है थोड़ी देर तक गैस पे ही रखेंगे हम लोग। गाइस ये है आज का मेन्यू, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सेजवान राइस,
एक्चुअली जो राइस है ये हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि हम पहले बनाने वाले थे बासंती पुलाव, बट मेरे भाई को वो पसंद नहीं था, उसने कहा कि वो सेजवान राइस खाएगा। तो ये है सेजवान राइस, ये है फ्राइड आइटम्स जो मैंने आपको पहले बोली थी, करेला फ्राई, बैंगन फ्राई, परवल फ्राई और आलू फ्राई। और यहाँ पे जो है वो है खीर, इसमें जो है ये है आम की चटनी, और ये जो है चिकन चंगेजी। हमने गाइस इतने से ही आइटम बनाए हैं और हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सेफ़ नहीं होता है किसी को बुलाना। तो ना हमने अपने भाई के दोस्तों को बुलाया, ना ही किसी रिलेटिव को। तो हम अपने घर में ही छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई का बर्थडे है। छोटा सा ही घर में एक अपने घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करें, जिसमें मेरी मम्मी, दीदी, मैं और मेरा भाई रहेंगे। गाइस हमारे में एक रिचुअल होता है कि जिसका बर्थडे होता है वही पहले खाता है, तो मेरे भाई को सर्व कर रहे हैं, तो वही सेजवान फ्राइड राइस। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी थोड़ी कैमरा शाय पर्सन है। देखिए गाइस, गोलू मोलू जो है वहाँ से एक तरबूज चुरा के लेके आ गए और दोनों कैसे खा रहे हैं देखिए। गोलू गोलू, तो गाइस ये है मेरे भाई का केक जो वो कट करेगा, जो मेरी दीदी ने बनाया है। ये है वॉलनट चॉकलेट केक। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि कोरोना की वजह से हम लोग जो है कोई भी चीज़ बाहर से परचेज नहीं कर रहे हैं, सब घर पे ही बनाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकिंग पाउडर मुझे लगता है खराब है, केक जो है हम लोगों ने कट कर लिया, अब हम लोग सब खाएंगे। और ये केक जो है बहुत ही अच्छा और टेस्टी यम्मी सा बना है। गाइस आज यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे टाइप के और भी व्लॉग्स लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, टिल देन बाय।